Hello, my dear students. My name is Manavendra Jivan, and this video is for class 5th, chapter 2nd. Class 5 का chapter 2nd का ये video है, जिसमें ये आपका सब chapter 2nd है software. इस chapter में सिर्फ software पढ़ना है, ज़्यादा लंबा chapter है नहीं, इसीलिए इसी video में मैं chapter 2 शुरू करके ख़त्म भी कर दूँगा. Okay? Software. Software है क्या? Software actually सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कई सारे इंस्ट्रक्शंस को, जैसे आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन करते हैं, कंट्रोल एस से क्या करते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया, आप इस फाइल को सेव कर, कंट्रोल पी से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट, F1 से हेल्प, एंटर से ऑर्डर फाइनल. ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शंस. इसी तरीके से कंप्यूटर के जिस सॉफ्टवेयर में आप काम करते हो, किसमें लाल रंग भरो, पेन प्लस में काम किया मेरे साथ, क्लास 4 से आप क्लास 5 में है, नोट पैड और वर्ड पैड मेरे साथ किया है, तो नोट पैड में ये काम करना है, वर्ड पैड में ये काम करना है, तो वो जो सॉफ्टवेयर आपके लिए काम करता है उसको सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी प्रोग्रामर ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन करके डाल दिया. यानी कि सॉफ्टवेयर का थ्योरी क्या हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम्स आर कलेक्टेड टुगेदर एंड बिकेम अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम. यानी कि सारे इंस्ट्रक्शंस को एक जगह कलेक्ट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक फाइल में या एक एप्लीकेशन में डाल देता है और उसको एक सॉफ्टवेयर का रूप दे देता है, जाके ताकि उसमें बच्चे या बड़े अपने मन मुताबिक काम कर सकें फ्री होकर. ठीक है, दैट इज सॉफ्टवेयर. तो छोटी सी थ्योरी क्या आप बोल सकें, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट अ प्रोग्राम एंड मेनी प्रोग्राम्स क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, राइट. तो छोटा सा यही आप थ्योरी दे सकते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स परफॉर्म अ प्रोग्राम एंड अ प्रोग्राम कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ठीक, बट तो सॉफ्टवेयर में दो तरह के मेन सॉफ्टवेयर हम मानते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वह सॉफ्टवेयर जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करे, जैसे विंडो. अभी आपके स्कूल में विंडो 2007, मेरे लैपटॉप में विंडो 2010 है, कहीं XP है, कहीं विंडो 98 है, कहीं सर्वर है. तो यह जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, वह सॉफ्टवेयर जो सारे कंप्यूटर के दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म दे, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. फिर से ध्यान से सुन, वह सॉफ्टवेयर जो दूसरों सॉफ्टवेयरों को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है. यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर, जैसे आपका मोबाइल, अब इसको मोबाइल से समझिए, आपके मोबाइल में गूगल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, VLC प्लेयर होगा, तो ये सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर अपना अपना काम कर रहे हैं. लेकिन इन सारे सॉफ्टवेयर को कौन कंट्रोल करता है, आपका एंड्रॉयड, इसीलिए आपके मोबाइल को एंड्रॉयड सिस्टम बोलते हैं. तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर. यानी कि वो सारे सॉफ्टवेयर को कौन कंप्लीट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, एंड्रॉयड. उसी तरीके से कंप्यूटर में MS वर्ड है, एक्सेल है, पेंट ब्रश है, कैलकुलेटर है, कंट्रोल पैनल है, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रो, फोटोशॉप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. इन सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कौन करता है, विंडो 2007, चाहे विंडो 2000 XP, विंडो सर्वर, तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप इसका छोटा सा तरीका, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो सारे सिस्टम के दूसरे सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को कंट्रोल करे. यस सर, यस, यह हार्डवेयर भी कंट्रोल करता है, आपका माउस कौन ऑपरेट करता है, आपका कीबोर्ड, आपका प्रिंटर, आपका CPU कौन ऑपरेट करता है, हम और आप नहीं, हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो समझ में आ गया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का छोटा सा थ्योरी ये बनेगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ऑल द सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, राइट. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे हमारे हम लगे स्कूल विंडो 2007, DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा थ्योरी है कि वह सॉफ्टवेयर जो केवल एक खास पार्टिकुलर काम करे. आप सोच के देखो,
डिफरेंस, मैं तुमसे एक तरह से बात कर रहा हूँ, पेंट ब्रश में चाहते हो कि तुम एक लेटर बनाओ, बनेगा नहीं, कैलकुलेटर में ड्राइंग करना चाहते हो, होगा नहीं, नोटपैड में पिक्चर बनाना चाहते हो, होगा नहीं, मतलब जो पेंट ब्रश में होगा वो नोटपैड में नहीं, जो नोटपैड में होगा वो कैलकुलेटर में नहीं, जो कैलकुलेटर में होगा वो वर्ड पैड में नहीं। तो हर सॉफ्टवेयर अपना एक पर्टिकुलर काम करेगा। जैसे अपने तुम्हारे मोबाइल से बात करता हूँ, मोबाइल की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप से मैं लेटर बना दूँ, बनेगा? हम मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं, लेटर प्रॉपर नहीं बनेगा। एक ऑप्शन इससे बचा गया, व्हाट्सएप पर हम चाहते हैं कि जोड़ घटाओ गुणा भाग कर, होगा नहीं, व्हाट्सएप का काम है मैसेज भेजना, मैसेज लेना। मैं कहूँ ईमेल को कहूँ कि वो गाना सुनाए, वीडियो दिखाए, होगा नहीं। तो वह सॉफ्टवेयर जो केवल खास पर्टिकुलर काम करे वह होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे पेंट ब्रश एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका काम है ड्राइंग बनाना, वर्ड पैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका काम है लेटर टाइप करना, समझ में आ गया? एक्सेल का काम है डेटाबेस बनाना, वर्ड का काम है लेटर बनाना, पावर पॉइंट का काम है प्रेजेंटेशन बनाना। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको पावर पॉइंट सिखाऊंगा, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समझ में आ गया? दैट्स इट। तो आपको इस चैप्टर में केवल यही चीज़ सीखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कि सारे सिस्टम को, सारे हार्डवेयर को, सारे दूसरे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है जो कोई खास पर्टिकुलर काम करे। दैट्स इट। इस वीडियो के 102 दिन 3 दिन के बाद मैं इस चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन आंसर आपको लिख करके सबमिट कर दूंगा। जैसे चैप्टर 1 का भेजा है उसको भी आप अलग से कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा। इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, राइट? दैट्स इट। Stay home, stay healthy. Jai Hind.